हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं हूँ पिंकी और पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज मैंने अपना ड्रेस पहन लिया है और आज हो गई हूँ मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार। तो आज का वीडियो का शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे। और देखिए, ठंड हमारे इधर ज़्यादा नहीं है, फिर भी अभी रूल्स रेगुलेशन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कोरोना के टाइम में तो ज़्यादा ही। तो इसीलिए आज मैंने अपना वीडियो यहीं से कर दिया है स्टार्ट। देखते हैं कहाँ तक चलता है, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और आज मैं आपको मेरा कॉलेज का थोड़ा बहुत रूटीन जितना दिखा पाऊँगी उतना दिखाऊँगी। तो चलिए, टाइम हो गया है चलने का, तो चलते हैं। तो देखिए, मैं लेकर के आ गई हूँ आपको मेरी कॉलेज के क्लासरूम में। और अभी लंच टाइम चल रहा है, सभी लोग लंच करने के लिए मैस में गए हुए हैं। जो लोग हॉस्टल वाले हैं, हम लोग लोकलाइट्स हैं, क्योंकि हम लोग भोपाल के ही हैं, भोपाल में ही हमें कॉलेज मिला है। तो हम लोग घर से अप डाउन करते हैं। कई बच्चे हैं बहुत दूर दूर से हैं यहाँ पर। और देखिए, हमारे कॉलेज रूम कुछ इस तरीके से होते हैं, मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। थोड़े बहुत बच्चे हैं जो लोग खाना खा करके आ गए हैं या अभी गए नहीं हैं। तो देखिए, बहुत मतलब इतने सारे लोग होते हैं एक क्लास में, बहुत सारे लोग। और हम लोगों के पास इतना ज़्यादा मतलब इतना बिजी रूटीन होता है ना सभी का, कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। मतलब कॉलेज में भी पूरा टाइम बिजी में निकल जाता है। मतलब इतनी ज़्यादा प्रेशर होता है हम लोगों के ऊपर पढ़ाई का, और पढ़ाई के साथ साथ अन्य प्रैक्टिकल्स वगैरह और चीज़ों का। तो देखिए, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो मेरा बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आज आप लोग एक डॉक्टर की लाइफ देखने जा रहे हैं कि एक डॉक्टर बच्चे की लाइफ कैसी होती है, एक डॉक्टर स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है। और ये देखिए, मेरे पास में बैठी हुई हैं और सारे बच्चे मुझसे छोटे ही हैं एज में, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी लास्ट स्टेज पे जा कर के मैंने जो है ये एग्ज़ाम दिया और पास हो गई। और सारे बच्चे मेरी उम्र से छोटे ही हैं और मुझे दीदी ही बोलते हैं। तो देखिए, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और छुट्टी हो गई है, हम लोग आ गए हैं कॉलेज के बाहर। और देखिए, कुछ इस तरीके का रोड है वहाँ का, और एग्जैक्ट लोकेशन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, पक्का सब कुछ दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। अभी देखिए, कॉलेज से बाहर आ गई हूँ मैं, और कुछ इस तरीके से दिखता है बाहर। और मैंने थोड़ा सा क्लिप आप लोगों को दिखाया वीडियो का, और ऑटो रिक्शे वगैरह खड़े हुए हैं यहाँ पर। और रोड तो आप लोग जानते ही हैं हमारी इंडिया का, कि क्या हाल है रोडों का और कितनी ज़्यादा भीड़ और सब कुछ होता है। तो चलिए, आज का वीडियो मैं इंजॉय करती हूँ और आप लोग भी कीजिएगा। चलिए, घर पर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं देखिए, शाम के बज रहे हैं 6, आप मौसम देख ही पा रहे होंगे। देखिए मौसम कैसा हो रहा है, और देखिए इधर चिड़ियों की आवाज़ आ रही है अगर आप सुन पा रहे होंगे तो। और मैं कॉलेज से आई हूँ अभी, और देखिए अभी स्कार्फ खोला ही है मैंने। तो मैंने सोचा कि मैंने आप लोगों को कॉलेज की कुछ कुछ चीज़ें दिखाई। एक्चुअली अभी मेरे को परमिशन नहीं है, मैंने सर से बात की है कि ब्लॉग में मैं क्या क्या चीज़ें दिखा सकती हूँ, उसके बारे में वो प्रिंसिपल सर से बात करेंगे। और मतलब कुछ चीज़ें मेडिकल कॉलेजेस में ऐसी होती हैं ना, कि जिनके ऊपर जिनको हम आप लोगों को दिखा नहीं सकते, या हमारी YouTube पॉलिसी जो है हमको उस चीज़ को दिखाने की परमिशन नहीं देती है। तो वो सब चीज़ें मुझे देखना पड़ेंगी, इसके बाद ही मैं अपनी कॉलेज की आप लोगों को चीज़ें दिखा पाऊँगी। और ये देखिए, मैं अभी कॉलेज से आई हूँ और थोड़ा जल्दी आ गई थी आज, थोड़ी सी ख़रीदारी नहीं करनी थी, क्योंकि आते टाइम में मैं सब्ज़ी फ्रूट वगैरह लेकर के आती हूँ तो अंधेरा हो जाता है। और रास्ता में आप लोगों को नहीं दिखा पाई, क्योंकि मोबाइल पकड़ने के लिए कोई भी नहीं था। गाड़ी पे एक जन होना ज़रूरी है कि मतलब मोबाइल पकड़े, ताकि वो दिखा पाएँ आप लोगों को कि मैं कहाँ कहाँ से जाती हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को कि मतलब रुक के जो चीज़ें हैं मेरी, या मैं जहाँ से जाती हूँ, वो सब कुछ आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो मैं अभी आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर ली जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा रूटीन हमारा वीडियो का नहीं बन पा रहा है। बट आप लोग चिंता मत कीजिए, और मेरे चैनल को छोड़िएगा नहीं, और बने रहिएगा मेरे साथ इसी तरीके से, क्योंकि एक मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, कि किस तरीके से जो है अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। और आप लोगों को तो पता ही है कि मेरी लाइफ जो है सबसे अलग है,
क्योंकि मेरे साथ मेरा परिवार भी है, और मतलब मैं घरेलू लाइफ के साथ साथ एक मैं ये कहूँगी कि हाउस वाइफ के साथ साथ मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी जीती हूँ, तो दोहरी ज़िंदगी जीती हूँ। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ में ज़्यादा टाइम नहीं रहते हैं, तो अपने घर की जवाबदारियों को भी उठाती हूँ, उसके साथ में इतना सब कुछ आप लोगों के साथ और सहयोग के कारण और आप लोगों के जैसे दोस्त मेरे पास हैं तभी मैं कर पाती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं ना कि थकान का कभी अनुभव ही नहीं होता है, कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं होता है कि मैं थक गई हूँ, और हमेशा एक एनर्जी सी महसूस होती है कि इतने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा भी उनको रिप्लाई करना बनता है। तो ये देखिए बेटा वहाँ पर साइकिल चला रहा है और वो दोनों नीचे बैठ करके पढ़ रही हैं अपना। और आज मैं बहुत ही अच्छी चीज़ खरीद करके लाई हूँ, इस मौसम की नई चीज़, तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। और आज का वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और देखिए आज मैं क्या ख़रीद के लाई हूँ, ये देखिए चने, ये इस मौसम में ही मिलते हैं, और ये देखिए आज मैं ये ख़रीद करके लाई हूँ। तो अभी हम पॉलीथीन वगैरह निकाल करके फेंक देंगे क्योंकि बच्चे भी हाथ लगाएंगे। और चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए एक मिनट रुकिए, ये देखिए मेरा लंच बॉक्स, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बॉटल, और इसके बाद में ये है मेरा बैग, ये देखिए। एक्चुअली एक बार ग्रेजुएशन मैं कर चुकी हूँ, ये मेरा दूसरी बार है, और इतना अच्छा मौका मुझे ज़िंदगी में मिला, मतलब इस बात की इतनी ज़्यादा खुशी है मुझे कि मैं क्या बताऊँ, मतलब लोग एक बार कॉलेज जाने के लिए अपनी ज़िंदगी में उनको ऐसा लगता है कि हम कब कॉलेज जाएंगे, और मतलब वो, और देखिए मैंने अपनी एक बार की कॉलेज की लाइफ जी ली है और दोबारा से मतलब कॉलेज की लाइफ जी रही हूँ, तो इस बात की मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी और इतने प्यार करने वाले आसपास में लोग दिए, और मतलब मैं ये कहूँगी कि मुझे जो दिया भगवान ने सबको मिले, और सब लोग अपनी ज़िंदगी में इसी तरीके से मेहनत करते रहें। तो अभी देखिए मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई है क्योंकि कॉलेज में बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है 100 स्टूडेंट्स की कि मतलब वो इतनी ज़्यादा आवाज़ें, इतनी ज़्यादा शोर होता है कि बहुत तेज़ तेज़ बोलना पड़ता है, इसलिए गले में थोड़ा सा ऐसे हो गया है। तो चलिए आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करते हुए मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड, तो बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर और मेरे वीडियोज़ में, और आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज देखिए मैंने अपनी थोड़ी सी लाइफ आप लोगों को बताई कि मेडिकल स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको सुबह से शाम तक का मेरा रूटीन बताऊँ मैं कि सुबह मैं कितने बजे उठती हूँ, क्या क्या करती हूँ, तो इसी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ मेरे वीडियो में और मेरे चैनल्स पे, मेरी न्यू वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।